आज हम आपको बताएंगे एक छोटी सी स्टोरी। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, मेरा उम्र करीब 10 साल का था। मैं क्लास 7 में पढ़ रहा था। उसी दौरान मेरे इलाका में मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था विजय। हम लोग एकदम मस्ती करते थे इलाका में। तो एक दिन हम दोनों खेल खेल में हो गया झमेला, फिर भी हम दोनों में मेल हो गया। आज जो हम बात बताएंगे मेरे दोस्त के बारे में, वो है दोस्तों, वो बहुत अच्छा लड़का था। एक दिन मेरे साथ वो खेल रहा था छुपा छुपी। इसी दौरान मैंने देखा विजय के मुंह में कुछ है। मैंने बोला, विजय मुंह में क्या है? उसने बोला, कुछ नहीं दोस्त, जस्ट थोड़ा इसे। मैंने बोला, इसे मतलब दिखा क्या है? वो नहीं दिखाना चाह रहा था क्योंकि वो शर्म पा रहा था कि दोस्त जान जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि दोस्त तो ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला, देखा यार क्या है? तो उसको मुंह से निकला खैनी। मैंने उसे बोला, देख दोस्त, खड़ा है तो ठीक है, गम में खड़ा है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा मत खा, नहीं तो इसका नशा आ जाएगा। मेरे दोस्त मन में सोचा, ठीक है, मुझे बोला ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा। तो ऐसे तरह 2-3-10 दिन चला गया। उसने पूरा अभ्यास ही कर लिया नशे का। जब भी कहाँ भी जाता था मुंह में खैनी ढुका देता था। मैंने बोला, ज़्यादा मत खा, फिर भी वो खाया। ठीक है, फिर एक दिन मैंने खेल खेल में देखा विजय कुछ चिबा रहे हैं अपने मुंह में। मैंने बोला, अरे दोस्त तू अब क्या चिबा रहा है? उसने बोला, कुछ नहीं, खेलना। मैंने बोला, फिर देखा उसके मुंह खुलते ही देखा वो कुछ सुपारी चिबा रहा था जो खूब खाने से नशा आता था। मैंने बोला, देख दोस्त छोड़ दे, बहुत बुरी आदत है ये। उसने बोला, अरे यार छोड़ दे। मैंने बोला, देख वादा कर। उसने बोला, अरे वादा किया ना, चल खेल अभी। मैंने सोचा छोड़ देगा, ठीक है। इसी दौरान वो नहीं छोड़ पाया क्योंकि उसमें नशा चढ़ रहा है। ठीक है, फिर इसी दौरान 10-20 दिन बाद हम लोग फिर खेलने गए। फिर उसके मुंह में देखा विजय चुप के बीड़ी खा रहा है। मैं तो अब सोच गया ये तो एकदम चला गया है। फिर भी मैंने कोशिश किया उसे वापस आने के लिए। मैंने बोला, विजय तो जो कर रहे है ना, वो बहुत गलत अभ्यास है। वो बोला, यार दोस्त छोटा सा तो टान दे रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। मैंने बोला, नहीं, इसी दौरान तो ऐसे ऐसे करके करके बहुत ऊपर चला जाएगा। उसने मेरे बात नहीं सुना, फिर भी उसके बात मेरे कान में नहीं गया। मैंने बोला, ठीक है, मेरा जो कर्तव्य है वो मैं करूँ। हम लोग करीब महीने में 2 दिन खेल लेते थे छुपा छुपी। इसी दौरान बहुत साल बीत गया, एक करीब 2-3 साल। लेकिन उसका अभ्यास का यही था, कभी खैनी कभी सिगरेट, जो जो नशा करने का चीज़ था। इसी दौरान
हम दोनों फिर और दोस्तों मिलके खेलने गए। उसके बाद वो मुंह में लिया सिगरेट। मैंने तो सोचा, मैंने जो बात सोची थी वही हुई है कि उसके मुंह में अब देर नहीं है दारू जाने में और कुछ नशा। मैंने फिर भी बोला, विजय जो तू तो कर रहा है वो बहुत गलत है। उसने बोला, नहीं यार क्या गलत है, सभी तो खाते। मैंने उसे बोला, देख खाने में कोई बुरा नहीं है, लेकिन ज़्यादा खाने से दिक्कत होता है। तो तू एक दिन में करीब 10-12 सिगरेट खाता है, तो इससे क्या होगा, इससे तेरे शरीर में कुछ हो जाएगा। तो मुझे तो बुरा लग रहा था क्योंकि मेरा वो अच्छा दोस्त था। एक दिन विजय एक मामू से मिला, जिसे हम लोग मामू कहते थे, क्योंकि वो मेरे दोस्त और एक दोस्त का मामू था, इसलिए हम लोग सभी मामू बोलते थे। लेकिन क्या जाने उसका कैरेक्टर भी ऐसा ही था। तो विजय उससे मिल गया, करीब बहुत मिल गया, क्योंकि वो नशा कराने में बहुत बढ़िया था। तो इसी दौरान विजय उसके साथ चला गया दारू पीने। फिर दारू पी पी के घर में आता था, मम्मी उसे डांटती थी, उसके भेजे में कुछ नहीं जाता था। मैंने बोला, एक दिन मेरे घर आ दोस्त, तेरे से बात है। उसने मेरे घर आया, मैंने बोला, देख तू जो कर रहे हो वो बहुत गलत बात है। उसने बोला, कैसे? मैंने बोला, देख तू दिन में कितने बार दारू पीता है, कितने बार सिगरेट खाता है, तू सोच। उसने बोला, देख तो मैं तो अभी भी ठीक हूँ, तेरे से भी मैं बहुत सॉलिड हूँ, लेकिन मैं जानता था उसमें और एनर्जी नहीं था। वो करीब धीरे धीरे ख़त्म हो गए था। मैंने बोला, देख इस देख तू खाता है, मैं नहीं खाता, इससे क्या होता है, देख तू एक दिन आइसक्रीम खाना मेरे साथ तभी सोचेगा। उसने बोला, ठीक है चल कब खाएगा। मैंने बोला, अभी चल। उसे हमें ले गया आइसक्रीम की दुकान में, उसे मैंने आइसक्रीम दिया, जस्ट 2 बार खाया, उसके बाद मुझे दे दिया। वो बोला, मैं नहीं खा सकता। मैंने बोला, क्यों? बोला कि मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, मेरे जीभ में दर्द हो रहा है। मैंने बोला, देख तू ऐसे धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। उसने कुछ मतलब सोचा ही नहीं। तो दोस्तों क्या बोले हो, सच्ची बात, एक्चुअल में वो एकदम परिवर्तन हो गया है एकदम। मैं जो विजय को पहचानता था वो और विजय नहीं रहा, एकदम पूरा नशाखोर हो गया। सो दोस्तों मैं यही बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि खाओ मत, लेकिन ज़्यादा मत खाओ, क्योंकि सभी की परिवार है, गलती कौन ना करता है, सभी गलती करता है, गलती से ही सीख मिलता है। सो दोस्तों मैं यही बात बोलता हूँ, आप लोगों को भी परिवार है, सभी का भी परिवार है, परिवार के लिए कुछ सोचो, समाज के लिए कुछ सोचो। कभी भी बैठो हो टीवी देखते देखते सिगरेट मत खाओ, बगल में बैठा हुआ लड़की हो सकता है, आपके धुआं उसके मुंह में जा सकता है, नाक में ढुक सकता है, दूर दूर जाके खाओ। दुकान में खड़े हो आप सिगरेट टान रहे हो क्या, बीड़ी टान रहे हो, उसके मुंह में भी जा रहा है, लेकिन वो नशाखोर नहीं है, लेकिन आपके धुआं से उसके नाक नाक में जाके उसे नशाखोर कर सकता है। सो दोस्तों मैं यही बोलना चाहता हूँ, ऐसे गलती मत करो, खाओ लेकिन कम खाओ, ठीक रहो और सुस्त रहो। और
एक अच्छी बात समझ को सम्मान करो। सो दोस्तों, धन्यवाद मेरे इस वीडियो के देखने के लिए।